हेलो स्टूडेंट टुडे वी हैव लर्न क्लास सिक्स साइंस चैप्टर नंबर फाइव सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि सब्सटेंस को कैसे हम लोग सेपरेट कर सकते हैं इस चैप्टर में सिलेबस क्या क्या है पहला है पर्पज ऑफ सेपरेशन सेपरेशन की नीड क्यों है हमें क्यों सेपरेशन करना पड़ रहा है क्या किस लिए हमें सेपरेशन करना चाहिए ठीक है प्योर एंड इम्प्योर सब्सटेंस प्योर एंड इम्प्योर सब्सटेंस के बारे में पढ़ेंगे मेथड ऑफ सेपरेशन सेपरेशन क्या क्या मेथड है उसके बारे में फर्स्ट है हैंड पिकिंग सेकेंड थ्रेसिंग थर्ड विनोइंग फोर्थ सीविंग फिफ्थ सेडिमेंटेशन सिक्स सेवेंथ लोडिंग देन फिल्टरेशन देन इवोपरेशन देन कंडेंसेशन एंड लास्ट टॉपिक इज सॉल्युबिलिटी तो हम लोग इस चैप्टर इस सेशन में हम लोग अभी पर्पस ऑफ सेपरेशन पढ़ेंगे एंड प्योर एंड इम सब्सटेंस के बारे में पढ़ेंगे ठीक है तो हम लोग पर्पज ऑफ सेपरेशन इन अवर डेली लाइफ बिफोर वी यूज अ सब्सटेंस हम अपने डेली लाइफ में ना किसी भी सब्सटेंस को यूज करने से पहले वी नीड टू सेपरेट हार्मफुल और नॉन यूजफुल सब्सटेंस डेट मेक बी मिक्सड विथ इट हम क्या करते हैं हम ना सेपरेट करते हैं हार्मफुल और नॉन यूजफुल सब्सटेंस जो भी मिक्स है ना उसके अंदर फॉर एग्जाम्पल समेक होल चिलीज फ्रॉम पोहा कुछ लोग एग्जाम्पल के लिए ना कुछ लोग क्या करते है ना जो चिलीज होती है जो मिर्च होती है ना उसको पोहा में से निकाल देते हैं खाते समय टी लिवस आर सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड विथ स्ट्रेनर मतलब की जो हम लोग चाय जो पीते है ना तो उसको हम लोग छान के पीते है ना तो वही स्ट्रेनर के थ्रू हम लोग क्या करते हैं टी लिव्स को सेपरेट कर देते हैं वाइल्ड प्रिपेरिंग टी टी बनाते समय Sometimes we separate even useful component if you need to use them separately. कभी, कभी हम क्या कहते हैं ना जो useful substance होता है ना उसको भी separate करते हैं जब हमें ना कुछ उसका और use होता है तब ठीक है ना For example example समझते हैं Milk और curd is churned to separate the butter. जब हमें butter चाहिए रहता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं milk और curd को ना churn करते हैं जैसे ना churn करने का मतलब होता है जब milk और ऐसे ऐसे देखो ना घर में ना कट को ना ऐसे किया जाता है चर्ड इस, इसे बोलते हैं चर्ड मेथड ठीक है ना इस मेथड में क्या होता है मिल्क और जो बटर होता है ना वो क्या होता है सेपरेट हो जाता है ठीक है ना तो यूजफुल सब्सटेंसन दोनों तो वही इसमें बताया गया है यूजफुल यूजफुल कंपोनेंट को भी क्या करते हैं हम लोग सेपरेट करते हैं टेबल वाई डू वी सेपरेट सब्सटेंस हम लोग क्यों सेपरेट करते हैं सब्सटेंस को सेपरेशन प्रोसेस प्रोसेस के बारे में बताया गया यहाँ पर्पस फॉर विच वी डू द सेपरेशन हमारा पर्पस क्या है सेपरेशन करने के पीछे वॉट डू वी डू विथ द सेपरेटेड कंपोनेंट और हम लोग उसका क्या करते हैं सेपरेटेड कंपोनेंट का पढ़ते हैं तो फर्स्ट है सेपरेट स्टोन फ्रॉम राइस स्टोन फ्रॉम राइस तो हम लोग क्यों सेपरेट करते हैं इसको तो टू रिमूव इंप्योरिटीज और हार्मुल कंटेंट जो राइस में जो स्टोन है ना वो हार्मुल है हमारे लिए उसके उसको उसको क्या करते हैं रिमूव करते हैं लोग हटाते हैं ठीक है वी थ्रो अवे द इम्प्योर और जो कंपोनेंट हमारा सेपरेट हो उसको क्या कहते हैं हम लोग फेंक देते हैं तो ये बताया गया कि थ्रो कर देते हैं देन सेकेंड सेपरेशन प्रोसेस है सेपरेट टी लीव्स टी लीव्स हम लोग क्या कहते हैं सेपरेट करते हैं वाइल्ड प्रिपेयरिंग टी परपज क्या है इसका टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट जो नॉन यूजफुल कंपोनेंट है ना उनको क्या कर दो रिमूव कर दो निकाल दो वी थ्रो अवे द सॉलिड कंपोनेंट जो जो सॉलिड कंपोनेंट है ना उसे क्या कर दो थ्रो अवे कर दो फेंक दो देन थर्ड है थर्ड सेपरेशन प्रोसेस है चर्निंग कर्ड टू ऑपटेन बटर हम लोग कर्ड को क्या करते हैं चर्ड करते हैं बटर ऑप्टेन करने के लिए ठीक है पर्पज टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल प्रोडक्ट हम लोग क्या कहते हैं सेपरेट करते हैं दो डिफरेंट डिफरेंट यूजफुल कंपोनेंट को ठीक है ना एंड सेपरेटेड कंपोनेट करते क्या है हम लोग वी यूज बोथ द कंपोनेंट फॉर डिफरेंट पर्पज हम लोग उसका क्या करते हैं हम लोग डिफरेंट डिफरेंट पर्पज लिए क्या कहते हैं उसका यूज करते हैं ठीक है ना जैसे कि कर्ड का यूज कर लेंगे हम लोग फिर ड्रिंक करने के लिए मतलब कि पीने के लिए और बटर का घी बनाने के लिए ठीक है देन नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग प्योर एंड इम्प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं प्योर एंड इम्प्योर सब्सटेंस अ सिंगल सब्सटेंस ऑफ अ डेफिनेट कंपोजिशन इज कॉल्ड अ प्योर सब्सटेंस एक सिंगल सब्सटेंस ना जिसमें क्या हो डेफिनेट कंपोजिशन हो मतलब कि जिसे हम लोग काउंट कर सके डेफिनेट मतलब जिससे हमने काउंट कर सके ऐसे कंपोजिशन होना उसको हम बोलते हैं सिंगल सब्सटेंस और उस सिंगल सब्सटेंस का नाम होता है प्योर सब्सटेंस ठीक है ना फॉर एग्जाम्पल प्योर गोल्ड गोल्ड में क्या हम लोग पढ़ते सुने ना ये ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर कैरेट गोल्ड है ट्वेंटी थ्री कैरेट गोल्ड है तो देखिए उसमें एक फिक्स कंपोजिशन है और वो क्या है सिंगल सब्सटेंस गोल्ड में केवल गोल्ड ही रहता है कुछ और चीज मिक्स नहीं रहता है इसलिए क्या है एक प्योर सब्सटेंस है प्योर वाटर वाटर जो आप पीते हैं ना वो क्या है वाटर एक फिक्स्ड वाटर में क्या है डेफिनेट कंपोजिशन है फिक्स कंपोजिशन है ठीक है और वाटर में केवल वाटर के ही पार्टिकल्स रहते हैं किसी और के पार्टिकल नहीं रहते हैं इसलिए वो भी क्या है प्योर सब्सटेंस है देन सेम तरीके से प्योर ऑक्सीजन एटसेट्रा ओके प्योर सब्सटेंस कंटेन्स पार्टिकल ऑन ऑफ ओनली वन टाइम तो प्योर सब्सटेंस में क्या होते हैं केवल एक ही तरीके के पार्टिकल्स होते हैं ठीक है ना उसे बोलते हैं ना प्योर सब्सटेंस एग्जाम्पल समझ में आ गया ना प्योर गोल्ड प्योर वाटर प्योर ऑक्सीजन ओके सब्सटेंस इन विच सम्योरिटीज इम्प्योरिटीज मीन उसके अलावा कुछ और अदर सब्सटेंस रहेंगे ना या कंपोनेंट रहेंगे ना तो उसे बोलते हैं हम लोग इम्प्योर ठीक है impure, ना अ सब्सटेंस इन विच सम इम्प्योरिटीज अदर सब्सटेंस आर ऑल्सो प्रेजेंट इन स्मॉलर अमाउंट इज कॉल्ड एन इम्प्योर सब्सटेंस उसे क्या बोला था इम्प्योर सब्सटेंस ठीक है इट कंटेन्स पार्टिकल्स ऑफ टू और मोर डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल्स जब क्या होते हैं इं, सब्सटेंस में ना दो और दो से ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट काइंड के ना पार्टिकल्स होते हैं ना तो उसको ना बोलते हैं क्योंकि है मिक्सचर है मिक्सचर है मतलब कि उसमें इम्प्योरिटीज मिली हुई है जैसे कि हम लोगों ने भी पढ़ा था ना कि स्टोन में क्या है राइस मिलाओ सॉरी राइस में स्टोन के पार्टिकल्स है तो उसमें तो केवल एक ही है ठीक है ना तो वो तो इम्प्योर सब्सटेंस है और एक या एक से ज्यादा प्रोडक्ट यदि रहेंगे ना उसमें जैसे कि आपने देखा होगा ना कि राइस में ना स्टोन तो रहते ही है और साथ साथ ना छोटे छोटे कीड़े भी रहते हैं उसके अंदर तो क्या है एक मिक्सचर है ठीक है ना समझ समझो आगे ना देन हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं मटेरियल विच कंटेन टू और मोर सब्सटेंस इन एन इन एनी प्रपोर्शन Are mixtures. तो mixtures क्या है जिस भी मटेरियल में ना टू और मोर देन टू सब्सटेंस होंगे ना एनी प्रोपोर्शन मतलब स्मॉल क्वान्टिटी में ज्यादा नहीं होगा ऐसा नहीं होगा ना कि सुग एक, एक एक कटोरी राइस में ना एक कटोरी क्या होगा स्टोन होगा ऐसा नहीं होगा ना बहुत ही थोड़े से अमाउंट में होंगे ठीक है ना टू और मोर सब्सटैंस इन एनी प्रपोर्शन आर कॉल्ड मिक्सचर्स ओके दस एनी मिक्सचर कंटेन टू और मोर डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल्स तो किसी भी मिक्सचर में ना दो या दो से ज्यादा तरीके के क्या हो सकते हैं पार्टिकल्स डिफरेंट डिफरेंट के पार्टिकल्स हो सकते हैं द वेरियस सब्सटेंस प्रेजेंट इन मिक्सचर आर कॉल्ड कॉल्डिस कंपोनेंट और कंसिस्टुंट जो जो डिफरेंट डिफरेंट जो मटेरियल में ना जो डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस पाए जा रहे हैं ना उसी को हम लोग क्या बोलते हैं कंपोनेंट और कंसिटुएंट बोलते हैं ठीक है थीके? Each of a mixture retain its property. और हर कंस्टिट्य क्या होता है अपना अलग अलग प्रॉपर्टी होता है जैसे की यदि राइस में यदि स्टोन मिक्सअप है ना तो स्टोन का अपना एक प्रॉपर्टी है ठीक है? है. है? है ना क्या क्या है सॉलिड है ठीक है यदि उसमें क्या है सॉलिड है और वो उसको हम लोग क्या हैंडपिक के थ्रू मतलब की उसको हम लोग पकड़ करके ना अलग से निकाल सकते हैं ये बताया गया है ठीक है फॉर एग्जाम्पल अ मिक्सर कंटेनिंग सुगर एंड सैंड मतलब एक मिक्सर है जिसमें क्या क्या है सुगर एंड सैंड है ठीक है मिक्सचर में भी हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस मिक्सर क्या होते हैं हेट्रोजीनियस होते हैं और होमोजीनियस होते हैं पढ़ते हैं क्या है होमोजीनियस एंड हाइट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच द पार्टिकल ऑफ द सब्स्टेंस प्रेजेंट कैन बी सीन इजिली आर कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सर्स ऐसे मिक्सचर्स ना जिसमें क्या हो पार्टिकल्स जो सब्सटेंस है प्रेजेंट है ना वो क्या हम लोग क्लियरली देख सके उसको ईजिली देख सके ना उस मिक्सचर को हम बोलते हैं सकेट्रोजीनियस मिक्सचर ठीक है फॉर एग्जाम्पल अप ऑफ वीट कंटेनिंग स्मॉल स्टोन एक वीट का ढेर है ना वीट का हीप मतलब होता है ढेर एक वीट का ढेर है ना उसमें क्या है? यदि हम लोग छोट छोटे छोटे स्मॉल स्टोन को देख सकते हैं ना तो क्या है हेट्रोजीनियस मिक्सचर है हस्क एंड Other grain, मतलब उस हीप में क्या हो छोटे छोटे स्मॉल स्टोन होंगे हस्त मतलब भूसी होगी कुछ एंड अदर ग्रेन कुछ भी ग्रेन हो सकते हैं ठीक है तो उसको, उस हम, को बोलते हैं हाइड्रोजीनियस मिक्सचर्स ओके देन मिक्सचर्स इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द सब्सटेंस प्रेजेंट कैन नॉट बी सीन आर कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर और ऐसे मिक्सचर्स न जिसके पार्टिकल्स ना हम लोग सब्सटेंस में देख नहीं सकते अच्छे से या दिखेंगे ही नहीं कभी हम लोगों को उस मिक्सचर को हम बोलते हैं होमोजीनियस फॉर एग्जाम्पल सोलूशन ऑफ सुगर एंड सोल्ट इन वाटर अब आप समझिए कि आपके पास ना एक एक ग्लास वाटर है उसमें आपने क्या किया वन टी वन टी स्पून क्या किया आपने सुगर क्या कर दिया डिजोल्व कर दिया और आपने उसको ना क्या क्या कि स्टेयरिंग किया अब आपने जब उसको स्टेयरिंग किया ना तो हुआ ये ना कि जो सुगर पार्टिकल्स है ना वो क्या हो गए पूरे वाटर में डिजोल्व हो गए क्या आप उसमें देख के बता सकते हैं कि सुगर पार्टिकल कहा गए आप उसमें देख के नहीं बता नहीं सकते तो वो सॉल्यूशन हो जाएगा वो मिक्सचर हो जाएगा होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल ठीक है ना और हाइड्रोजीनियस का अब सेम एग्जांपल लेते हैं जैसे कि आप फिर से वाटर लीजिए और वाटर के अंदर ना इस बार ना चौक पाउडर चौक पाउडर लीजिए चौक को क्या करिए उसका पाउडर फॉर्म बनाइए और उसको क्या करिए डिजोल्व कर दीजिए ठीक है ना तो अब क्या आप चौक पाउडर को उसमें देख सकते हैं क्या यदि आप देख सकते हैं तो वो हाइट्रोजीनियस मिक्सर होगा तो बिल्कुल आप देख ही सकते होंगे क्योंकि वो दिखे, दिखेगा आपको तो क्या होगा हाइट्रोजीनियस मिक्सचर होगा ठीक है ना वैसे ही आप चौक के जगह ना आप सैंड दे दिए आप आप क्या करिए एक एक मुट्ठी क्या करिए सैंड उसमें अंदर डाल दीजिए और उसको क्या करिए स्टेयरिंग करिए और उसको छोड़ दीजिए एक दो मिनट के लिए फिर देखिए यदि आप उसके अंदर पार्टिकल्स को देख पा रहे हैं इट मीन्स वो हाइट्रोजीनियस मिक्सचर है और जिस मिक्सचर में आप पार्टिकल्स को देख नहीं सकते ना उसको बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर तो यहाँ हम लोग है ना फर्स्ट पार्ट वन खत्म होता है ठीक है अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पार्ट टू पढ़ेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ सेपरेशन के बारे में ठीक है यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम है ना इस वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं थैंक यू